नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर अजमेर में हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको बता देते हैं कि एचएमवी कोर्स, मतलब कि जो अपने भर्तियों के अंदर जो कोर्स चलते हैं, मतलब जो ऑप्टिकल चलते हैं, उसमें कौन से ऑप्टिकल बनाए जाते हैं और किस किस के अंदर स्टूडेंट को दिक्कत आती है, कहाँ दिक्कत आती है, ये सारे ऑप्टिकल्स अपने हैं, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि 10 ऑप्टिकल है, 10 ऑप्टिकल जो आपको आने चाहिए। आप इन 10 ऑप्टिकल्स की तैयारी करके जाएंगे ना, तो वहाँ पर क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि अपने यहाँ जो 20 दिन की ट्रेनिंग है एचएमवी कोर्स, ठीक है, इसके अंदर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब कि फर्स्ट डे से लेकर 20 दिन तक आपको कंप्लीट ये कोर्स मिलेगा। इसमें आपको हर ऑप्टिकल के अंदर, आपको 5 किलोमीटर के लिए गाड़ी चलाने के लिए मिलेगी, या आपको जो भी ऑप्टिकल में दिक्कत आ रही है, कोई से भी ऑप्टिकल में दिक्कत आ रही है, तो आप आराम से उसके अंदर 5 किलोमीटर चला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, जैसे कि अपने एक पार्किंग होती है, एक अपने पार्किंग होती है एनुअल पार्किंग। एनुअल पार्किंग क्या होती है, जब अपन ये रोड होती है, ये वाली रोड होती है, ठीक है, और अपन को तिरछी गाड़ी लगानी होती है बिल्कुल स्ट्रेट में, ऐसे स्ट्रेटिंग, तो इसको एनुअल पार्किंग बोलते हैं, ठीक है। आपसे मतलब की भर्तियों में आप ये भी लगवा सकते हैं कि गाड़ी किस टाइप में एनुअल पार्किंग कौन सी होती है, किसको बोलते हैं एनुअल पार्किंग, ठीक है। एक होता है टी ट्रेक, ये अपने पास है टी ट्रेक, इसके अंदर गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर यहाँ से बैग में लाके, फिर यहाँ पे लाके आते हैं, और फिर सामने यहाँ पर लगे गाड़ी रखते हैं, इसको टी ट्रेक बोलते हैं, ठीक है। एस ट्रेक, ये वाला होता है एस ट्रेक, इसमें यहाँ पर आपको गाड़ी खड़ी मिलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से गाड़ी बैक में ले जाके और यहाँ पे लेके आनी है जेड टाइप में, फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे लेके आनी, फिर यहाँ से बैक में यहाँ पे आना है, ठीक है। ये होता है अपना एच, और एक होती है अपने ट्रेक होता है, जैसे एक ट्रेक हो गया, इसके अंदर आपको रिवर्स चलाना होता है, फॉरवर्ड चलाना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप रिवर्स में बस भी चलवा सकते हैं, छोटी गाड़ी भी चलवा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से पॉइंट पे किस जगह पे आपको कौन सा मिरर देखना है, ठीक है। तो एट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिरर की होती है, अगर आप मिरर सीख गए तो मतलब आपका एक बन गया, ठीक। एक होता है वी ट्रेक, जैसे अपना एक वी ट्रेक है, ठीक है। तो यहाँ से जब अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं यहाँ तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि गाड़ी जानी किधर है, ठीक है, कौन सा मिरर आपको देखना है और किस किस पॉइंट पे अपनी गाड़ी कटनी चाहिए, ठीक है। और एक होता है एस ट्रेक, जैसे ये एस ट्रेक है, इसके अंदर आपको फर्स्ट में यहाँ से गाड़ी स्टार्ट मिलेगी, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, फिर वापस रिवर्स लेके जाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर दोनों मिरर्स काम करते हैं, पहले तो फर्स्ट मिरर यहाँ तक काम करेगा, फिर सेकंड मिरर यहाँ तक काम करेगा, आपको देखना होगा कि कौन सा मिरर कौन से पॉइंट पे देखना है आपको। और फिर एक होती है एयर पार्किंग, एयर पार्किंग सबसे मोस्ट एयर पार्किंग होती है, क्योंकि ये क्योंकि कई सेंटर में क्या होता है कि इसको टाइट बनाए रखते हैं और किसी सेंटर में एकदम लूज बना रखते हैं, लेकिन हर भर्ती के अंदर आपको एयर पार्किंग देखने को मिलेगी। अगर एयर पार्किंग आप सही पॉइंट पे सीख गए ना, तो ये मान लो कि मतलब कि हर ट्रेक पे आप चला सकते हो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें एयर पार्किंग में, ठीक है। और एक होती है हमने जेट ट्रेक, जिसको जिगजैग पार्किंग बोलते हैं, जिगजैग ट्रेक बोलते हैं, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ पर लेके जाना, फिर रिवर्स में यहाँ पर लेके आने, इसको जिगजैग पार्किंग बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है अपना रैंप, ये होता है रैंप, ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है रैंप, क्योंकि नए स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता कि रैंप पे करना क्या होता है, कहाँ पे गाड़ी रोकनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, बार बार वो वहाँ पर रैंप पे जाके गाड़ी बंद करते हैं, तो गाड़ी कैसे खड़ी होती है उनको, ठीक है। अभी डीआरडीओ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रैंप में आ रही थी, उसके अंदर क्या कर रहे थे, गाड़ी यहाँ पर ले जाके बंद कर रहे थे, उनको ये नहीं पता कि गाड़ी कहाँ पे तो रोकनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो अपने यहाँ पर 45 डिग्री का रैंप है, जो आपको रास्ते में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा रैंप है यहाँ पे, और वो भी मतलब कि पक्की रोड के ऊपर है, और इसके ऊपर सेंसर वगैरह सब कुछ लिखे हैं, आपको बाद में दिखाएंगे ये चीज। और ये होती है पैरेलल पार्किंग, ये होती है पैरेलल पार्किंग, जैसे अपनी ये रोड है, ये वाली रोड होगी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जैसे अपनी रोड होगी, ठीक है, अपन यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक तो अपन पैरेलल सीधी एकदम सीधी गाड़ी स्ट्रेट में लगानी, एकदम सीधी लगानी है, और एक यहाँ पर ला के और गाड़ी को ऐसे लगानी है बिल्कुल, मतलब रोड से बाहर नहीं होनी चाहिए गाड़ी अपनी, ठीक है, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर अंदर गाड़ी होनी चाहिए एकदम सीधी, बिल्कुल आगे वाले टायर एकदम सीधे होने चाहिए,
ठीक है, ये अपने ऑप्टिकल थे सारे, ठीक है, यहाँ पर हर प्रकार के ऑप्टिकल मतलब कि अच्छे से तैयारी करवाते हैं, इसमें कोई कोई मतलब कि दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। और आपको मतलब कि जो अपने ट्रे वगैरह हैं ऑप्टिकल हैं, उनके साइज क्या होते हैं, कैसे कैसे उनको कहाँ से काटना होता है, ये आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे क्या यूज करना होता है, ठीक है ना, ऑप्टिकल्स में कैसे गाइड चलाते हैं, ठीक है, ठीक है सही दोस्तों, आगे वीडियो देखते रहो। और ऑप्टिकल का साइज, हाँ ऑप्टिकल का साइज वगैरह हम आपको बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है सर, ओके।